अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 301 के लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारे पास जो एक्स वाई प्लेन होता है, ठीक है, जो हमने पढ़ा था कि एक वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इन दोनों को मिलाने से जो प्लेन बनता है उसे हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन, क्योंकि एक एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस है। और एक्स वाई प्लेन का दूसरा नाम हम उसको कार्टियन प्लेन भी दे सकते हैं और रेक्टेंगुलर प्लेन या रेक्टेंगुलर सिस्टम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक्स वाई प्लेन के दो मजीद नाम आपको पता चल गए, आपने याद रखने हैं, कार्टियन सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और एक्स और वाई जो हैं इन्हें हम या तो कार्टियन कोऑर्डिनेट कह सकते हैं या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कह सकते हैं। और यहाँ पे आपको अगर डायग्राम नज़र आ रही होगी, ये जो है इसे हम इनिशियल रे कहते हैं और ये जो पॉइंट ओ है इस पॉइंट को हम पोल कहते हैं, ठीक है, इसको हम ओरिजिन या पोल कह सकते हैं। और इस पोल से आपने एक रे निकाली, एक पॉइंट पी तक लेकर गए, तो इसका जो डिस्टेंस है यहाँ पे, इसने ओ से पी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको आर से रिप्रेजेंट कर दें, और ये जो इनिशियल रे के साथ एंगल बना रही है उसको थीटा से रिप्रेजेंट कर दें। तो ये जो पी है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आर थीटा आ गए। वैसे जो हम पॉइंट लिखते थे तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम दो लिखते थे, एक्स और y, तो अब एक्स वाई की जगह आर थीटा आ गया। तो एक्स वाई अगर हो तो हम कहते हैं कि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, और अगर आर थीटा हो तो फिर हम कहते हैं कि ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है जी। अब अगर आपने देखना है कि पोलर से अगर आपने रेक्टेंगुलर के अंदर जाना है या पोलर से कार्टियन के अंदर जाना है और कार्टियन से पोलर के अंदर जाना है, तो आप कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ नीचे हम उनको डिस्कस करेंगे। अगर तो आपको पोलर दिया हुआ है यानी आर और थीटा दिया हुआ है, तो आपने कार्टियन में जाना है यानी एक्स और वाई में जाना है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ये इक्वेशन यूज़ करते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। यहाँ पर आपको जो आर थीटा दिया हुआ है, आर और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से y जब आपने फाइंड करना है तो आपने इसके अंदर r और साइन की वैल्यू, सॉरी r और थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास y आ जाएगा। अब ये तो हो गया कि आपने अगर पोलर से कार्टियन में जाना है, अगर आपने कार्टियन से वापस पोलर में जाना है तो आप जो है कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं, आपकी वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे r की वैल्यू फाइंड करने के लिए। यहाँ x और y जो गिवन है वो पुट करें तो r आ जाएगा, और यहाँ x और y पुट करें तो आपके पास थीटा आ जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशंस कैसे आएंगे ये भी हम देख लेते हैं थोड़ी सी इनकी डेरिवेशन। जो इक्वेशन अल्फा और बीटा हमने नाम दिया ऊपर x और y वाली, इनमें का दोनों का आपने स्क्वायर ले लेना है, तो इस साइड पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इस साइड पर आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इनकी जो दोनों इक्वेशंस हैं इनकी लेफ्ट साइड आपस में ऐड कर दें और राइट साइड आपस में ऐड कर दें। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर और इसमें आ रहा है वाई स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से राइट साइड जो है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आपस में प्लस कर दें। अब यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लें, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और उसकी जगह आप लिख सकते हैं वन, क्योंकि ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमेशा इक्वल टू वन होता है। आर स्क्वायर वन से मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आपके पास एक बन गई, एक इक्वेशन जिसमें आप आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ये जो अल्फा और बीटा है इन दोनों को डिवाइड कर दें, तो लेफ्ट साइड आपस में डिवाइड होंगी, वाई को एक्स के साथ डिवाइड कर दें, और राइट साइड आपस में डिवाइड होंगी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा। अब आर और आर तो कैंसिल हो गया, साइन और कॉस जो है वो टेन के इक्वल होता है। अब आपने थीटा फाइंड करना है, तो टेन दूसरी साइड पे जाके टेन इन्वर्स हो जाएगा, तो टेन इन्वर्स वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो ये दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए आप इजिली आर और थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको एक्स और वाई की वैल्यू गिवन हो। यहाँ पर थोड़ा सा हम एक समरी कह लें, पोलर कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं, आर थीटा। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं, दो हो तो एक्स वाई होंगे, तीन हो तो एक्स वाई जी होंगे। रेक्टेंगुलर का और नाम हमने क्या पढ़ा था, कार्टियन कोऑर्डिनेट, इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं और कार्टियन कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हैं। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, आर थीटा जी, यानी यहाँ पे सिर्फ आर थीटा दो होंगे तो उन्हें पोलर कहेंगे, और अगर तीन होंगे आर थीटा जी तो उसे हम सिलेंड्रिकल कहेंगे। इसी तरह से अगर दो हो एक्स वाई तो उनको हम कार्टियन कह सकते हैं, और अगर तीन हो एक्स वाई जी तो उन्हें हम रेक्टेंगुलर कहते हैं यूजली। और इसके अंदर जो r है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए यानी जीरो से बड़ा होना चाहिए, और जो थीटा है वो हमेशा जीरो से टू पाई के दरमियान होगा। टू पाई कहाँ होता है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरह से चार क्वाड्रेंट्स हैं, तो यहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा होता है यानी जीरो, यहाँ पे आपके पास आता है 90 डिग्री और ये आता है पाई,
जिसे हम 180 भी कह सकते हैं, ठीक है। और 2π का मतलब है कि आपने ये पाए तक कवर किया, उसके बाद एक और हाफ सर्कल कंप्लीट करें। एक पूरा सर्कल जब कंप्लीट हो जाता है ना, तो फिर 2π एंगल्स जो हैं वो ट्रैवल होते हैं। तो थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से 2π, यानी एक सर्कल कंप्लीट करने के बराबर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इसी तरह से जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं उसके अंदर तीन कौन से आते हैं, पी, थीटा, फाई। पी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, थीटा 0 से 2π के दरमियान होना चाहिए, और फाई 0 से π के दरमियान होना चाहिए। अब इनकी भी कन्वर्जन हम देख लेते हैं आपस में। ये जो तीन चार हमने कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं कि आपस में अगर हमने कन्वर्ट करने हो, जैसे ऊपर हमने देखा है ना कि पोलर से कार्टियन और कार्टियन से पोलर में जाना हो तो कौन सी इक्वेशंस यूज करते हैं, इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपने रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल में जाना है या सिलेंड्रिकल से रेक्टेंगुलर में जाना है, तो ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस जो हमने देखी थी वही सेम होंगी, यानी आर थीटा जी दिया हुआ है तो आपने जाना है एक्स वाई जी के अंदर। तो यहाँ से आपने एक इक्वेशन यूज़ करनी है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, यहाँ पे आप ये आर पुट करेंगे और ये वाला थीटा पुट करेंगे, ठीक है। आर और थीटा पुट किया तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई, इसी तरह से यहाँ आर और थीटा पुट किया तो वाई की वैल्यू आ गई, और जी क्योंकि देखें इसमें भी जी है और इसमें भी जी है, दोनों सेम है, तो इसलिए जी सेम ही रहेगा, उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी के ऑपोजिट अगर आपने जाना है, यानी सिलेंड्रिकल से आपने रेक्टेंगुलर में जाना सीख लिया, अब आप अगर रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल में जाना चाहते हैं तो आप आर की इक्वेशन यूज करेंगे, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वही इक्वेशन है जो हमने ऊपर ड्राइव की थी, ठीक है। यहाँ से देखें अगर हम स्क्वायर खत्म करते हैं ना तो दोनों साइड पर हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो आर जो है वो इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। टेन थीटा की भी सेम इक्वेशन ऊपर वाली, और जी क्योंकि दोनों में सेम है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब बात करते हैं सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की, कि अगर आपने सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल में जाना है या स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल में जाना है तो वो आप किस तरह से जाएंगे। तो सबसे पहले देखें तो सिलेंड्रिकल जो है वो हमारे पास क्या है, स्फेरिकल है पी थीटा फाई और सिलेंड्रिकल है आर थीटा जी। तो अगर आपको यहाँ पे आर और थीटा और जी की वैल्यू गिवन है तो आप इजिली पी थीटा और फाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखें, यहाँ से ये आपके पास पी का है फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर हमने पढ़ा था आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे है पी इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। इसकी डेरिवेशन भी अभी हम देखेंगे कि ये कैसे आया, तो ये आपने फॉर्मूला पी का याद रखना है। थीटा क्योंकि देखें इसमें भी थीटा है और इसमें भी थीटा है, दोनों सेम है तो इसलिए उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और टेन फाई की वैल्यू आपने कैसे निकालनी है, आर को जी पे डिवाइड कर दें और उसका टेन इन्वर्स ले लें, क्योंकि टेन जब दूसरी साइड पर जाएगा तो टेन इन्वर्स हो जाएगा। टेन इन्वर्स लेंगे तो आपके पास यहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से अगर आप देखें कि रेक्टेंगुलर और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को आपने आपस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, पी थीटा फाई ये आपके पास स्फेरिकल होते हैं और एक्स वाई जी जो है वो रेक्टेंगुलर होते हैं। तो अगर आपको पी थीटा और फाई की वैल्यू गिवन है तो आप पहले फाइंड करेंगे आर थीटा और जी की वैल्यू, ठीक है। ये आपने याद रखना है, स्फेरिकल से हम डायरेक्ट रेक्टेंगुलर के अंदर नहीं जा सकते, स्फेरिकल से पहले आपने सिलेंड्रिकल फाइंड करनी है और फिर सिलेंड्रिकल से आपने रेक्टेंगुलर में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास p और फाई की वैल्यू पुट करने से r आ जाता है और थीटा तो थीटा ही रहेगा, और z जब आपने निकालना है तो p cos phi का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, p और फाई गिवन है वो यहाँ पुट करें तो z आ गया। अब r थीटा z आ गया, लेकिन हमने तो जाना है रेक्टेंगुलर के अंदर, तो r थीटा z को हम सेम ऊपर वाली इक्वेशंस यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे देखी थी, ये वाली, ठीक है जी। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, वही सेम इक्वेशंस, और z इज इक्वल टू z, तो ये आपके पास आ गए रेक्टेंगुलर। अब इसके ऑपोजिट कंसिडर करें कि आपने रेक्टेंगुलर से अगर जाना है स्फेरिकल के अंदर तो फिर आप क्या करेंगे, आप इन तीनों इक्वेशंस का स्क्वायर लें और आप इसमें प्लस कर दें, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और इस साइड पे x की वैल्यू पुट कर दें। x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे हमारे पास, देखें x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा है और r की वैल्यू ऊपर दी हुई है p साइन फाई, तो इस r की जगह पुट कर दें p साइन फाई साथ में कॉस थीटा, p साइन फाई कॉस थीटा का स्क्वायर, प्लस इसी तरह से इस r की जगह भी p साइन फाई पुट करेंगे तो ये बन जाएगा p साइन फाई साइन थीटा, ये y की जगह आ गया, और z की वैल्यू क्योंकि ऊपर दी हुई थी p cos phi तो यहाँ पे p cos phi का स्क्वायर। तीनों का स्क्वायर लें तो देखें p स्क्वायर तीनों में कॉमन आ रहा है, p स्क्वायर कॉमन ले लें, अंदर ये वैल्यूज बचती हैं आपके पास। अब यहाँ से इन दोनों के अंदर साइन स्क्वायर phi कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर phi कॉमन लें, अंदर बचेगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, उसकी जगह 1 पुट कर देंगे तो 1 तो खत्म हो जाएगा साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर। अब साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अगेन 1 के इक्वल होता है, तो ये p स्क्वायर आपके पास आ गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जी स्क्वायर। और अगर आप स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं तो दोनों साइड पे आप क्या करें, स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, पी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इसी तरह से अगर आपने थीटा फाइंड करना है तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू वाई ओवर एक्स, और यहाँ से थीटा फाइंड करने के लिए टेन है तो जाके इन्वर्स हो जाएगा, वाई ओवर एक्स का टेन इन्वर्स लें तो थीटा आ जाएगा, और कॉस फाई फाइंड करने के लिए वही हमने जो डायरेक्शन को साइंस पढ़े थे एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। उसके बाद बात करते हैं कॉन्स्टेंट सर्फेसिस क्या होती हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के अंदर कॉन्स्टेंट सर्फेस तीन तरह की हो सकती हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर। अगर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली सर्फेस है तो ये जो प्लेन है ये वाई जी के पैरेलल होगा, अगर वाई इज इक्वल टू वाई नॉट है तो ये एक्स जी के पैरेलल होगा, और अगर जी इज इक्वल टू जी नॉट है तो ये एक्स वाई के पैरेलल होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात करें तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं, आर थीटा जी, तो आर इज इक्वल टू आर नॉट, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट एंड जी इज इक्वल टू जी नॉट। ये तीन तरह की इसके अंदर कॉन्स्टेंट सर्फेसिस हो सकती हैं, और अगर आर वाली की बात करें तो ये राइट सिलेंडर बनाती है, और अगर थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट हो तो ये हाफ प्लेन बनाता है, और जी इज इक्वल टू जी नॉट हो तो ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाता है। उसके बाद स्फेरिकल कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं, पी थीटा फाई, तो तीन आपके पास इसमें भी सर्फेसिस बनेंगी, पी इज इक्वल टू पी नॉट, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट एंड फाई इज इक्वल टू फाई नॉट। पी इज इक्वल टू पी नॉट तब होता है जब आपके पास सारे वो पॉइंट्स शामिल हों जिनमें ओरिजिन से डिस्टेंस पी नॉट है, यानी फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ओरिजिन है ओ, तो यहाँ से आप कोई भी पॉइंट पी तक आप डिस्टेंस ले रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ना वो सारे जो है वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, पी नॉट होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट हमने ऊपर भी देखा है हाफ प्लेन होता है, तो यहाँ पे भी हाफ प्लेन को शो करेगा, और जो फाई इज इक्वल टू फाई नॉट है ये भी तमाम पॉइंट्स पे मुश्तमिल होगी जो इस ओरिजिन से एक इनिशियल रे के साथ जो यहाँ पे एंगल बन रहा होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ये आपने एक पॉइंट याद रखना है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आर रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट यूज्ड इन नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब क्या है कि जब आपने डायरेक्शन वगैरह फाइंड करनी होती है तो उसमें आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह को डिस्कस करना होता है, तो उसके लिए हम जो कोऑर्डिनेट यूज करते हैं ना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डोमेन किसे कहते हैं। कोई भी फंक्शन आप लें उसके अंदर जब आपने कोई वैल्यू पुट करनी होती है तो जो वैल्यू आप पुट करें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की यूजुअली वो एक्स होता है। ठीक है, तो आप एक्स की जो वैल्यू पुट करेंगे दैट इज़ कॉल्ड डोमेन, और वो वैल्यू पुट करने से वाई का जो आंसर आएगा दैट इज़ कॉल्ड रेंज। ठीक है, तो यहाँ से आपने इनकी डेफिनेशन याद रखनी है, डोमेन इज़ द वैल्यू दैट इज़ टू बी पुट इन अ फंक्शन एंड रेंज इज़ द वैल्यू दैट assigns for every element of the domain, यानी एक domain put करने से जो answer आएगा वो range होगी। When domain consists of real numbers, the function is called real valued function। जो domain है यानी जो values हम put कर रहे हैं अगर तो वो सारी values real हैं तो जो function होगा उसे real valued function कहेंगे। उसके बाद बात करते हैं natural domain की। natural domain वो domain होती है जिसके अंदर सारे वो पॉइंट्स शामिल हों जिसमें ना तो डिवीजन हो रही हो जीरो के साथ और ना ही कोई इमेजिनरी नंबर हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई नंबर जीरो के साथ डिवाइड होता है, फॉर एग्जांपल हम वन को जीरो के साथ डिवाइड करें तो ये हमें आंसर देता है इन्फिनिटी, यानी डिवीजन बाय ज़ीरो इज अनडिफाइंड। तो इसलिए आपने ऐसी डोमेन चूज करनी होती है जिसमें आंसर जो है वो अनडिफाइंड ना हो रहा हो, यानी डिवीजन बाय ज़ीरो उसमें ना हो रही हो और इमेजिनरी नंबर भी ना हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें स्क्वायर रूट वाई माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके अंदर आंसर इमेजिनरी बन जाता है। इमेजिनरी आंसर कब बनता है, जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा हो, जैसे माइनस फोर आ गया तो फोर का अंडर रूट क्या होता है, टू होता है, तो हम इसको लिखेंगे कि ये इक्वल है टू, और क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है तो इसके साथ अयोटा भी आएगा। अब ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर आ गया, तो हमने वो नंबर्स अवॉइड करने हैं जो हमें इमेजिनरी आंसर देते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप वाई की वैल्यू जो है वो हमेशा एक्स से बड़ी पुट करेंगे ताकि आंसर पॉजिटिव आए नेगेटिव ना आए, क्योंकि बड़ी वैल्यू में से जब छोटी वैल्यू माइनस होगी ना तो आंसर पॉजिटिव आएगा वरना वो नेगेटिव आएगा। इसकी एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं हम कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वाई की वैल्यू है 49 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 9, तो 49 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो ये आपके पास पॉजिटिव आंसर देगा दैट इज 40, स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास आएगा 40।
इसी तरह से अगर आप इसको ऑपोजिट कर दें, यानी आप 9 में से 49 माइनस कर रहे हैं, यानी 9 आप y की वैल्यू दे दें और 49 x की वैल्यू दे दें, तो 9 माइनस 49 करेंगे तो वो आंसर माइनस 40 आएगा। तो इस तरह आपके पास इमेजिनरी आंसर आता है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि y की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए x स्क्वायर की वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम कंडीशन लगाएंगे कि द डोमेन विल बी y ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर।